सम कोरिएंडर और एक स्मॉल गार्लिक का पीस, दैट्स इट। इन सब चीज़ों से हम एक टेस्टी राजमा बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। बनाने वाले हैं एक राजमे की क्विक रेसिपी, जिसके अंदर हमें इसको रात भर भिगोना नहीं है, बहुत सारा वेट नहीं करना है। हम इंस्टेंटली राजमा बना सकते हैं और ये एकदम वैसा बनेगा जैसा कि रात भर स्टोर करने के बाद बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बनाने वाले हैं राजमा और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 कप ऑफ राजमा लिया है, जिससे हम 3 से 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो हमको हमारा जो राजमा है हमें उसको कुकर में डालना है और राजमा की जो हाइट है उसका 2x, सिंपल पानी डाल के इसमें 3 से 4 सीटी डालनी है विद अ पिंच ऑफ सोडा एंड देखिए राजमा में हमने सीटी लगा दी है और मैंने सीधा कंडीशन इस तरह का दिखने लग जाएगा आपका राजमा आफ्टर 3 whistles। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मैंने पानी कितना लिया है, ये हमारा राजमा एंड दिस इज द वाटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें ठंडा पानी डालेंगे और ये जो राजमा हमारा ऊपर आ गया है गर्म होकर बॉईल होकर वो नीचे सेटल हो जाएगा और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा, राजमा एक तो कुक भी होगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इतना पानी डाल देना बस थोड़ा सा, ये राजमा हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, दिस इज़ अ कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा एकदम बस, दैट्स इट। अब हम इसको बंद करके, अब हमारा राजमा कम्प्लीटली बॉईल हो चुका है। हमने इसमें इनिशियली 2-3 सीटी दी थी, फिर खोला था, फिर थोड़ा ठंडा पानी डाला था, उसके बाद इसके अंदर ऑयल डाला था एंड फाइनली वापस से 3 whistles दी थी। नाउ सी इट्स टोटली डन। हमने इसको रात भर भिगोया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, स्टिल एकदम सॉफ्ट होंगे। लेट्स चेक देम, थोड़ा कट करके देखते हैं। ईजिली कट हो रहा है, देखिए एकदम ईजिली कट हो रही है, राइट, एकदम सॉफ्ट हो गया हमारा। अब हम हमारी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट कुकिंग द राजमा। कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में 2 चमचे ऑयल डाल दीजिए। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच काफ़ी रहेगा, उसमें डालेंगे अनियन। गैस को शुरू में हाई में रखना है और जब तेल गर्म हो जाए तो गैस को एकदम मीडियम पे कर देना और अब हम हमारे अनियन डालेंगे इसमें। तो डालेंगे और जब ये हल्के हल्के ब्राउन होने लग जाएंगे ना, अभी तो देखिए एकदम वाइट है, तब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, लहसुन और ग्रीन चिली का। अब हम इसमें हमारा ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, सेमी चॉप करना है, एकदम फाइन चॉप भी नहीं करना है, बिकॉज हम सारा खड़े मसाले और खड़े वेजिटेबल्स के साथ ही बना रहे हैं, हमने इनको पहले से ग्राइंड नहीं किया है, राइट, तो इसलिए हम इस तरह से बनाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्लक्चुएट करता रहना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में उसको मीडियम पे ही रखना है, एकदम जलाना नहीं है हमें। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून हम सॉल्ट डालेंगे जिससे कि ये जल्दी पक जाए, सारा फ्राई हो जाए। ठीक है, अपना पानी छोड़ दो, जल्दी से हमारा कंप्लीट अनियन गार्लिक और ग्रीन चिली स्मैश हो जाए। देखिए अब हमारा सब कुछ मतलब प्याज वगैरह वगैरह अच्छे से फ्राई हो गए, आपको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन भी दिख रहा होगा। अब हम इसमें टमेटोज ऐड कर सकते हैं। टमेटोज हम अभी क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज हमने ग्राइंड नहीं किया है इन सबको। ठीक है, तो जब हम चॉप डालेंगे तो हमें पहले डालना पड़ेगा जिससे कि ये भी फ्राई हो जाए, और टमाटर जब फ्राई हो जाएगा ना कम्प्लीटली भुन जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम टमाटर को पहले डाल के प्याज के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे, एकदम डार्क ब्राउन मसाला प्रिपेयर करेंगे हमारा। अब इसको थोड़ी देर हाई फ्लेम पे रखेंगे 2 मिनट, उसके बाद मीडियम पे रख के छोड़ देंगे करीबन 5-6 मिनट तक।
मसाला इस तरह से, और जब आपका मसाला इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, ऑलमोस्ट रेडी होने वाला हो, तब इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हल्दी सबसे पहले इसलिए डाली जाती है बिकॉज इट टेक्स टाइम पकने में, अदरवाइज कड़वा टेस्ट आता है। अभी इसको हम 2 मिनट पकाएंगे, फिर बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। Now let's check, देखिए ब्राउन होता जा रहा है, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और वो पानी सूख रहा है। थोड़ी गैस तेज कर देंगे और उसको अच्छे से हिला लेंगे। अभी और होगा 5-10 मिनट, हमको ये पूरा ना कम्प्लीटली मैश कर लेना है इस तरह से प्रेस कर कर, और उसको भूनना है, तभी टेस्ट आएगा राजमा का। सारे वेजिटेबल्स का पानी निकाल के उसको अच्छे से फ्राई करके फिर हम मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर, और उसको वापस ढक देते हैं। अभी इसे चेक करते रहेंगे। एक्चुअली टेक्निक बेस्ट है बैचलर्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास ग्राइंडर नहीं है, क्रशर नहीं है, मिक्सर नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको और लोगों से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे और आपका खाना 10 टाइम्स बेटर बनेगा। बिकॉज इस तरह जो यूनिफॉर्मिलिटी आती है खाने के टेस्ट में बहुत अच्छी आती है, और स्लोली 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 बनता है सब, तो इट गिव्स अ वेरी यमी टेस्ट। 1 बिग टेबल स्पून रेड चिली डालेंगे हम इसके अंदर। इफ़ यू यूज कश्मीरी, मिस कश्मीरी लाल मिर्च डाली है हमने इसके अंदर, तो देखिए अब इसका कलर किस तरह से आ रहा है, एकदम रिच रेड कलर आएगा और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आएगा इसका। अब इसमें हम 1 टीस्पून कोरिएंडर ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर आप कितना भी डाल सकते हैं, कितना ही मतलब आप अच्छे से डाल सकते हैं, बिकॉज ये नुकसान नहीं करता, इट्स गुड फॉर योर स्टमक। अब हम हल्का सा मसाला भूनेंगे 30 सेकेंड्स, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड, इसको 1-2 मिनट तक भूनेंगे, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी कौन सा ऐड करेंगे, राजमा वाटर, जो राजमा हमने बॉईल किया था उसका पानी ही हम इसमें यूज़ करेंगे पूरे टाइम, बाकी वाटर नहीं डालेंगे, क्लीन वाटर ऐड करेंगे। राजमा वाटर जो हमने राजमा बॉईल करते टाइम बचा के रखा था, और उसी से हम इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। अब इसको 2 मिनट तक भूनेंगे, फिर इसमें हम हमारा राजमा ऐड करेंगे। और वेजिटेबल्स ने अपना तेल छोड़ दिया है अच्छे से, अब हम इसमें राजमा ऐड कर सकते हैं जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। डन, अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ा सा उसको ऐसे इसमें गर्म होने देते हैं, भुनने देते हैं, फिर हम पानी ऐड करेंगे। पहले पूरा टेम्परेचर सेम होने देते हैं ग्रेवी का, ठीक है, तो हाई फ्लेम पे सेट कर देंगे। अब जैसे ही हमारा सब बॉईल हो जाएगा, इसमें हम हमारा राजमा वाटर डालेंगे बचा हुआ, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से, उसके बाद इट विल गेट रेडी। इट्स टाइम टू पुट द रिमेनिंग राजमा वाटर। देखिए ये मैंने अलग से कंटेनर में निकाल लिया है, और अब जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए होगी उसके हिसाब से मैं इसमें डाल लूँगा। चेक करते हुए अभी हमें इसको उसके बाद 10 मिनट तक और पकाना रहेगा, जिससे कि सब चीज़ एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर थोड़ा पानी और डाल लेते हैं, यहाँ तक पानी फिल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कढ़ाई के इस पॉइंट तक पानी डालेंगे, और इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे 10 मिनट तक आराम से स्लो आंच पे पकने देना है। एक बार बॉईल आने के बाद पानी में जैसे ही बॉईल आ जाएगा हम इसको मीडियम पे कर देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो होगा क्या, 10 मिनट में एकदम डेंस हो जाएगी जैसे कि हमें चाहिए, उसको छोड़ देते हैं ढककर। फाइनली राजमा रेडी हो गया है, ये देखिए हाउ डेंस इज द ग्रेवी। और हम इसको इमिजिएटली सर्व नहीं करेंगे, 10-15 मिनट ठंडा होने रखेंगे जिससे ये ग्रेवी और गाढ़ी हो जाए। और अब इसमें डालेंगे कोरिएंडर जो हमने चॉप करके रखा था। रा
Arjuna is ready to serve after 15 minutes. इसको हम बंद करके रख देंगे. The rajma is finally ready. Consistency देखिए ग्रेवी की, हमने थोड़ा छोड़ दिया था इसलिए गाढ़ा हो गया है, इसलिए हमने इसको रखा था 15 मिनट ठंडा होने के लिए. अब एकदम रेडी है सर्व करने के लिए. राजमा अच्छी तरह पक चुके हैं एंड इट विल टेस्ट यमी.